हरियाणा से बाहर की 50,000 की पुलिस फोर्स बाहर से मंगवा रखी है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF, ITBP के जवान हैं। तब कल हमारे 50 से अधिक भाई इसी बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे जख्मी हुए। हमारे लगभग 100 साथी शंभू बॉर्डर पे सरकार ने जख्मी कर दिए हैं। और हरियाणा पुलिस के जवान सीधी बिल्कुल किसानों के ऊपर फायर कर रहे हैं। किसानों को देखिए किस तरीके से हरियाणा पुलिस का जवान वो खुलेआम सीधे किसानों पे फायर कर रहा है। ये खनौरी बॉर्डर की ही ये वीडियो है। तमाम जो गांव में स्कूल थे, उन जो स्कूल बच्चों के पढ़ाई कराने के लिए होते हैं, बच्चों को वहां से बाहर निकाल दिया गया और वहां पे फोर्सेस को वहां पे रखा गया है। हमारा जो निशाना है, जहाँ जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें दिल्ली तक जाना है। और ये सारे बैरिकेड जैसे ही हमारे दोनों फॉर्मों की कंप्लीट लीडरशिप फैसला लेगी, उसके तुरंत बाद ये बैरिकेड यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ये कमेटी कमेटियों का ही खेल चल रहा है और उस कमेटी कमेटियों के खेल में ही हमारे 20 लाख से अधिक किसान और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या करने पे वो मजबूर हुए हैं। पहले सारे पत्रकार भाइयों को सबको नमस्कार है, सत श्री अकाल, और आप लोगों का धन्यवाद भी है कि पिछले 3 दिनों से आप हमारे साथ हो और हमारे इस संघर्ष को दुनिया के कोने कोने तक आप पहुँचा रहे हो। तो इसके लिए आप सारे के सारे बधाई के पात्र हो, आपका हम धन्यवाद करते हैं। देखिए साथियों, पिछले 3 दिनों का अगर हम देखें, 13 तारीख को हमारे 27 किसान भाई सरकार की तानाशाही के कारण यहाँ पे जख्मी हुए। कल हमारे 50 से अधिक भाई इसी बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे जख्मी हुए। हमारे लगभग 100 साथी शंभू बॉर्डर पे सरकार ने जख्मी कर दिए हैं। और एक जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा, वो एक पूरी तानाशाही का माहौल है, एक गुंडागर्दी का एक माहौल बनाया जा रहा है। कल आपने यहाँ पे हमारे साथियों के पास भी है इंजेक्टर मोटार किसानों के ऊपर दागे गए, और हमारे पास वो वीडियो भी है, हम आपको वीडियो भी आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हरियाणा पुलिस के जवान सीधी बिल्कुल किसानों के ऊपर फायर कर रहे हैं। किसानों के छर्रे मारे गए हैं, लगभग हमारे 15 किसान भाइयों को तो सीधे छर्रे लगे हैं। तो जिस तरीके का एक दूसरे देश के जो एक बॉर्डर पे माहौल होता है, जो एक फेंसिंग करके और मोटार छोड़ के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, ड्रोनों के माध्यम से ये छोड़े जा रहे हैं, एक वैसा माहौल यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं तो हम आपके साथ साझा भी करते। ये आप देखिए किस तरीके से हरियाणा पुलिस का जवान वो खुलेआम सीधे किसानों पर फायर कर रहा है। ये खनौरी बॉर्डर की ही ये वीडियो है। तो मेरे किसान भाइयों, सरकार आज पूरे तरीके से बौखला गई है। और कुछ लोग ये कहते थे, सरकार भी ये कहती थी कि भाई आंदोलन इनका कंट्रोल में नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सरकार द्वारा इतनी हिंसा किए जाने के बावजूद किसी भी किसान ने एक छोटा सा पत्थर भी प्रशासन की तरफ या फोर्सेस की तरफ नहीं उछाला। आज हरियाणा में 3,000 से अधिक किसान हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार कर रखे हैं। हरियाणा से बाहर की 50,000 की पुलिस फोर्स बाहर से मंगवा रखी है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF, ITBP के जवान हैं। तमाम जो गांव में स्कूल थे, उन जो स्कूल बच्चों के पढ़ाई कराने के लिए होते हैं, बच्चों को वहां से बाहर निकाल दिया गया और वहां पे फोर्सेस को वहां पे रखा गया है। तो ये जो पूरा इतना दमन करने की प्रयास किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, उसके बावजूद आपने कल भी देखा, परसों भी देखा और आज भी देखा, आज 15,000 के आसपास हरियाणा के किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, बॉर्डर को मजबूती दे रहे हैं। पंजाब के 50,000 से ज़्यादा किसान यहाँ पे शामिल हैं। और हरियाणा की भी अगर बात करें तो जींद रोहतक रोड पे आज किसानों ने एक बड़ा धरना लगा दिया है। एक हमारे बड़े जो क्रांतिकारी गांव है उस एरिया के, वहाँ पे उन गांवों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोगों ने पहुँच के सड़क के ऊपर धरना लगा दिया। फतेहाबाद में हमारा एक धरना मजबूती से लगा हुआ है। और शंभू बॉर्डर पे हरियाणा और इस पे खनौरी बॉर्डर पे भी हरियाणा के किसान हजारों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। हमारा जो निशाना है, जहाँ जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें दिल्ली तक जाना है। और ये सारे बैरिकेड जैसे ही हमारे दोनों फॉर्मों की कंप्लीट लीडरशिप फैसला लेगी, उसके तुरंत बाद ये बैरिकेड यहाँ से हटा दिए जाएंगे। कोई बैरिकेड किसानों के सामने नहीं आने वाला, लेकिन ये जो बैरिकेड भी हटाए जाएंगे, जो आगे भी बढ़ेंगे, ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के तय किए गए अनुशासन के अनुसार किए जाएंगे, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई करी जाएगी। आज शाम को हमारी मीटिंग भी हो रही है, 5 बजे अभी चंडीगढ़ में दोनों फोरम के जो लीडर साहिबान हैं वो चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्रीज के साथ बात करेंगे। लेकिन हमारे दोनों फोरमों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि खाली चर्चा से और बहस से कुछ नहीं होगा। आप हमारी MSP कानून के मुद्दे पे, आप हमारे किसान मजदूरों की कर्ज माफी के मुद्दे पे, आप हमारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के मुद्दे पे, सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, आश्वासन नहीं,
पिछली मीटिंग में भी सरकार कह रही थी कि हम कमेटी बना देंगे जिसमें कृषि मंत्री हेड होंगे, आपके नेता उसमें शामिल होंगे, लेकिन हमने उस दिन भी स्पष्ट कर दिया, आज भी हम स्पष्ट कर रहे हैं, ना तो हमें कोई कमेटी बनवानी है, ना किसी कमेटी में शामिल होना है। पिछले 77 सालों से चाहे किसी भी गवर्नमेंट की सरकार रही हो, ये कमेटी कमेटियों का ही खेल चल रहा है, और उस कमेटी कमेटियों के खेल में ही हमारे 20 लाख से अधिक किसान और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुए हैं। तो अब और भी एक दिन भी वेट नहीं किया जाएगा, अब कोई कमेटी का इंतजार नहीं किया जाएगा, आंदोलन के माध्यम से ही अपनी मांगे ये पूरी कराएंगे। और मेरे अलावा आदरणीय काका सिंह कोटला जी हैं, आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी हैं, बाकी हमारे सारे साथी बैठे हैं, और ये भी एक बार उधर हमारे भाई हरियाणा से खटखटोल से ही बैठे हैं, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं। तो मैं कहूँगा एक एक करके सारे साथी भी अपनी थोड़ी थोड़ी बात रखेंगे। राकेश टिकैत ने कल भारत बंद बुलाया है, वो अभी तक इन दोनों मोर्चों पर नहीं दिख रहे हैं, किसानों के बड़े नेता वहीं जो उनके बड़े भाई हैं वो भी दोनों मोर्चों पर नहीं दिख रहे, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है कि किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। देखो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आंदोलनों से नेता होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होते। बहुत सारे लोग थे जो 13 फरवरी से पहले विरोधाभासी और गलत बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन जो ये किसानों की ताकत है, पूरे देश के किसानों की ताकत ने ये मोर्चा भी जमाया, मोर्चे को आगे भी बढ़ाएंगे। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, चाहे उसमें हम हो नेता या कोई और हो, पिछला आंदोलन भी देश के किसानों ने जीता था, हमारे जैसे लोग तो मात्र नुमाइंदगी करने का कार्य कर रहे थे, ताकत देश के किसानों की थी, आज भी देश के किसानों की ताकत है और देश के किसान अपनी ताकत के बलबूते इस मोर्चे को जीतेंगे। और एक बात और स्पष्ट कर दें, हमारे दोनों फॉर्मों का, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फॉर्मों का ये एक नियम है कि पहली बात, मेरी जगह आ जाएंगे, पहली बात हमारा कोई भी लीडर चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनावी राजनीति से दूर रहेगा। दूसरा, हमारा कोई भी नेता ना तो किसी राजनेता की स्टेज पे जाएगा और ना ही किसी राजनेता को हमारी स्टेज पे आने दिया जाएगा। जो इन दोनों रूल रेगुलेशन के, दोनों फॉर्मों के, नियम कानूनों के, संविधान का पालन करते होंगे, हमारी 5-5 मेंबर की कमेटी बनी हुई है दोनों फोरम की तरफ से, उनसे वो विचार चर्चा कर सकते हैं। अगर ग्रीन लाइट दी जाएगी तो जो भी साथी आना चाहेगा उसका स्वागत किया जाएगा। जो बॉर्डरों पे हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अनिल भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पंजाब में कुछ लोग आते हैं, किसान आते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी फोर्स को जख्मी करते हैं, उसके बाद हम हमला करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अनिल विज से आप ये पूछो ना, अनिल विज ने 50,000 की पुलिस फोर्स हरियाणा में क्यों डाल रखी है? जो स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं वो स्कूल बंद करवा के वहाँ पे फोर्सेस को क्यों रख रखा है? 3,000 से अधिक किसान भाई आपने गिरफ्तार क्यों कर रखे हैं? आपने झूठे मुकदमे 307 के पर्चे दर्ज कर रखे हैं किसानों पे। एक बार ये जो तानाशाही गुंडागर्दी करी जा रही है उसके बावजूद हजारों की संख्या में किसान दोनों मोर्चों पर हैं। जिस दिन वो तानाशाही ढीली होगी, जिस दिन किसान तय कर लेंगे, उस दिन कोई बॉर्डर नहीं रुकने वाले, कोई गृह मंत्री नहीं कोई रहने वाले, सब किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। और जो ये एक तरीके से जो कहते हैं ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इस सरकार की बुद्धि खराब हो गई है, सरकार के अंदर घमंड है। हम तो अपने दोनों मोर्चों के फैसले का इंतजार देश का किसान कर रहा है। जिस दिन वो फैसला हो जाएगा फिर उस दिन हरियाणा सरकार की भी देख लेंगे और आगे की फोर्स भी देख लेंगे। अभी तक ये पता चल पाया खनौरी बॉर्डर पे कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया है और कितने लोग जख्मी हुए हैं? हमारे 77 किसान हैं उनको जख्मी किया गया, ये हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है। शंभू बॉर्डर पे हमारे 100 से अधिक किसान जख्मी हुए हैं। मैं